अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं रेसिपी लेकर आई हूं आप लोग के लिए चिकन पोटैटो चीज़ बोल की। तो चलें इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर रही हूं पैन के अंदर, और इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून, और एक छोटे साइज़ की प्याज शामिल कर दी है इसके अंदर, और इसको हमने हल्का सा सोते से कर लेना है। बस इसका कलर चेंज नहीं होने देना हमने। और अब मैं इसके अंदर चिकन शामिल कर दूंगी, चिकन बोनलेस, ये तकरीबन 1/2 kg है। चिकन को हमने यहाँ पर अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पर चिकन ने अपना कलर चेंज कर लिया है, और अब हम इसके अंदर मिर्च मसाले शामिल कर देते हैं। 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैं टिक्का मसाला शामिल कर रही हूँ, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक। इसके अलावा इसमें मैं अच्छा सा कलर देने के लिए यहाँ पर पेपरिका पाउडर शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। बस इस मसाले को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेना है। मसाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। थोड़ा सा पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे जब तक हमारी चिकन अच्छी तरह से गल ना जाए। हम इसे कवर करके ऊपर से कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल चुका है, उसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा कूट लेंगे। इसी स्पून की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। तो बिल्कुल इसको फाइन चॉप नहीं करना हमने, बस हल्का हल्का इसका प्रेस करना है इसे। तो इस तरह से हमने चिकन को मैश कर लिया है, और अब मैं इसके अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून मायोनीज। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 टेबलस्पून भर के चिली सॉस। तो यहाँ पर हमारी चिकन की फिलिंग अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। तो चलें इसको एक साइड पर करते हैं और अब अगला स्टेप बनाना शुरू करते हैं। और अब इस रेसिपी के लिए हम व्हाइट सॉस तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून इन कुकिंग ऑयल शामिल किया है, और अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैदा शामिल कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई करना है। और अब मैं इसके अंदर 1 कप दूध शामिल कर दूंगी, और साथ ही इसे अच्छी तरह से हिलाती रहूँगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी गुठली ना रहे। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी नमक, और इसमें शामिल करूंगी ओरिगानो, काली मिर्चें पीसी हुई ये शामिल कर दूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए हिलाएंगे इसे। तो चलें, हमारी ये व्हाइट सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको अब साइड पर कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 kg आलू लिए हैं, जिनका छिलका रिमूव करके इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है, और अब इसे मैशर की मदद से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो अच्छी तरह से हमने इसे मैश कर लिया है आलू को। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून नमक, और पीसी हुई काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ। और अब इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें स्किप भी कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देने के लिए ओरिगानो का पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आलू हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी मोज़रेला चीज़, तकरीबन 1 कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, ये शामिल कर देंगे बीच में। और अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आलू के साथ ही। तो ये मिक्सर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो चलें इसको अब एक साइड पर कर देते हैं।
तो यहाँ पर मैंने एक छोटे से साइज़ की कटोरी ले ली है। इसके ऊपर हम रखेंगे प्लास्टिक रैप। और हाथों की मदद से इसे अच्छी तरह से प्रेस करके बिल्कुल कटोरी की तरह बना लेंगे। और अब इसके अंदर जो आलू की फिलिंग हमने तैयार की है वो शामिल कर रही हूँ। और अब इसे हाथों की मदद से हमने प्रेस करके कटोरी जैसी शेप बना लेनी है इसकी। और अगर आपके हाथ के साथ ये मिक्सचर चिपके तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें हाथों पर। तो देखिए हमने कटोरी जैसी शेप दे दी है इसकी। और अब इसके अंदर जो चिकन की फिलिंग तैयार की है वो शामिल करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के। और अब इसको उठा के अच्छी तरह से गोल गोल घुमाएंगे इसे, बिल्कुल पेड़े जैसे हम लोग रोटी के लिए तैयार करते हैं बिल्कुल वैसी शेप देंगे इसकी। और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाएगा। इस तरह से हम गोल गोल घुमा कर इसे प्रेस करेंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा एकदम गोल सा पेड़ा सा बन चुका है। और अब जो प्लास्टिक रैप है इसमें से हम बाहर निकाल लेंगे इसको। इसी तरह ही मैं बाकी के बोल भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है। और अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप इसकी जगह कोई भी स्टील की प्लेट वगैरह भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोल तैयार कर लिए हैं, ये इसके अंदर रख रही हूँ। और अब इसके ऊपर मैं वाइट सॉस शामिल करूँगी जो मैंने तैयार करके रख ली थी। अच्छी तरह से वाइट सॉस लगाने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मोज़रेला चीज़ जिसे मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अच्छी तरह से सब तरफ फैलाते हुए हम शामिल कर देंगे। और अब इसके ऊपर मैं कुटी हुई लाल मिर्ची शामिल कर रही हूँ और ओरिगानो शामिल कर दूंगी। और अब आप इसे बेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ओवन है तो आप इसको ओवन के अंदर बेक करें, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो ये मेरा तरीका आपको बता देती हूँ, आप इस तरह से इसे बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला लिया है जिसको मैंने 10 मिनट के लिए फुल फ्लेम पर इसे प्रीहीट कर लिया है। इसके अंदर मैं ये ट्रे रखूँगी, ऊपर से कवर करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर कुक करेंगे। देश का हमारा अच्छी तरह से प्रीहीट होना चाहिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से चीज़ भी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। बहुत ही एहतियात के साथ हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हरा धनिया मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार और एकदम चीज़ी से हमारे यहाँ पर चिकन पोटैटो चीज़ बोल बनकर तैयार हो चुके हैं। और आप यकीन जाने एक बार आपने ये चीज़ पोटैटो बोल बना लिए तो आप पिज़्ज़ा भी भूल जाएंगे, इतने मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर किया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।